पे भी कुछ घुमाऊं फिराऊंगी। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा जरा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है तो मुझे थोड़ी जरा सामने कॉन्सेंट्रेशन। करूंगी आप लोगों के साथ बहुत जल्द और बहुत सेलिब्रिटीज के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोटोकॉल टाइप यू नो। ये देखिए इन्होंने एक पार्टीशन बीच में रखा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? गुज़श्ता ईद मुबारक आप सबको। और मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ आज, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ईद आई थी बीच में और फिर ईद हॉलीडेज शुरू हो गए थे, और इस बार तो पाकिस्तान में ईद हॉलीडेज कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए थे। और हम तो वैसे भी इस तलाश में होते हैं कि छुट्टियाँ कब होंगी। हम माशाल्लाह से ऐसी कौम है, और लंबे हॉलीडेज हो गए बीच में। आई थिंक कुछ थर्सडे या फ्राइडे का वर्किंग डे था, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी हम लोगों ने कोई काम किया होगा। और काम करने से हम लोग थोड़ा सा भागते हैं, सब नहीं, कुछ लोग थोड़ा भागते हैं। आई थिंक अगर ना भागे हम लोग काम करने से और छुट्टियाँ कम करें अपने काम से, तो बहुत ज़्यादा हमारी तरक्की हो सकती है हमारे मुल्क की, अगर हम चाहें। बाकी तो खैर मुल्क के हालात जो चल रहे हैं वो आप सब जानते हैं, और अल्लाह ताला बस खैर करें। आज का एनीवे गाइस व्लॉग जस्ट फॉर यू नो, बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे निकली हूँ घर से, मतलब अपनी कुछ सर्विसेज कराने के लिए, सलोन जाने के लिए। ईद हॉलीडेज में रमज़ान के बाद से, आपको पता है कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही थी सब टीवी पे, तो दिल चांद रात तक तो मैं अपने काम में बिजी थी। फिर उसके बाद ईद से अब तक तो फैमिली के साथ बिजी थी, घर पे मेहमानों का आना जाना। और फिर कुछ दिन ऐसे थे कि मूड हुआ कुछ व्लॉग बनाने का, कहीं निकलने का या कुछ भी, तो ऐसा लगा कि बस अभी तो कुछ पांच, मैंने आपको शायद पहले भी आपने मेरे कुछ व्लॉग्स देखे होंगे जो मैं बताती हूँ, मैं बड़ा भागती हूँ। अगर मुझे काम नहीं है कोई तो मैं बड़ा भागती हूँ बाहर कहीं जाने से, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ नहीं नहीं प्लीज़ घर ही रहना है, तो मेरा वो वाला टाइम भी थोड़ा सा चल रहा था कि नहीं प्लीज़ बिल्कुल घर होना चाहिए, फैमिली एंड रूम, बस बाकी यही चल रहा है सब कुछ। और काम बस शुरू होने वाला है दोबारा से मेरा, और इंशाल्लाह फिर मैं कराची जाऊंगी और आप लोगों को वहाँ पे भी कुछ घुमाऊं फिराऊंगी। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा ज़रा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है तो मुझे थोड़ी ज़रा सामने कंसंट्रेशन के साथ गाड़ी चलानी होगी। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू अ सलोन, और मुझे अपनी कुछ सर्विसेज करवानी है, लाइक पेडिक्योर, लाइक स्किन ट्रीटमेंट्स, तो वो कुछ चीज़ें, लाइक माय नेल्स, तो वो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये गाड़ी में मेरा पहला व्लॉग है, और पता नहीं ये कैमरा सेट है भी या नहीं, क्योंकि मैं सामने देख के गाड़ी चला रही हूँ। और गाड़ी चलाने में वैसे मैं माहिर हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज से ही गाड़ी चला रही हूँ, तो वो तो अल्लाह खैर करे कुछ नहीं है, लेकिन चले मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं अपनी वीडियो रोकती हूँ और फिर मैं स्टार्ट करूँगी जब मैं सैलून में एंटर हो रही होंगी। सी यू देयर। सो गाइज आई एम हेयर एट सैलून। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी रस्ते में कि मैं जा रही हूँ अपनी सर्विसेज के लिए, तो मैं अभी यहाँ पे बैठी हुई और मेरा पेडिक्योर हो रहा है, और बहुत रिफ्रेशिंग है, बड़ा सुकून मिल रहा है पेडिक्योर कराने से, तो वैसे भी बड़ा कुछ पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो आज मेरा ये वाला दिन है। बहुत प्यारा सा सैलून है ये, मैं नाम डिस्क्लोज करूँगी आप लोगों के साथ बहुत जल्द, और बहुत सेलिब्रिटीज के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोटोकॉल टाइप यू नो। ये देखिए इन्होंने एक पार्टीशन बीच में रखी है कि मैं डिस्टर्ब ना हूँ, दिस इज़ वेरी नाइस। और अभी तो खैर पेडिक्योर हो रहा है, फिर थ्रेडिंग होगी, और फिर क्या होगा, मैनीक्योर भी होगा।
आप लोगों को साथ साथ बताती होंगी। मैं आप लोगों को बस ऐसे ही अपने साथ शेयर करवा रही हूँ। मैंने कहा आप लोग अगर घर बैठ के बोर हो रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ आज मैं क्या कर रही हूँ। वैक्स, अब उसके इनका काम है, आपको बालों का काम है, आपको नेल्स का काम है, आपको कुछ भी है, मैनीक्योर पेडीक्योर हेयर एवरीथिंग, बहुत अच्छा जबरदस्त बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। और hey, it's been too long. You're just like my-